पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के बाद अब ममता बनर्जी की निगाहें देश की राजनीति पर हैं। कोलकाता में बुधवार को दोपहर 2 बजे ममता बनर्जी शहीद दिवस के कार्यक्रम में भाषण देंगी। उनके भाषण को अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, यानी यह देश भर में ममता की वर्चुअल रैली होगी। इसकी स्ट्रीमिंग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, त्रिपुरा और दूसरी जगहों पर भी की जाएगी। भाषण का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद भी किया जाएगा। कोलकाता में 1993 में 21 जुलाई को यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। इस प्रदर्शन की अगुवाई ममता बनर्जी ही कर रही थी। इसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। हर साल 21 जुलाई को तृणमूल इस दिन बड़ी रैली का आयोजन करती है। पिछले साल इस दिन ममता ने अपने दफ्तर से पार्टी वर्कर्स को संबोधित किया था। कोलकाता में इसकी झलक अभी से ही दिखनी शुरू हो गई है। टीएमसी पार्टी कार्यालय में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि समर्थक वहां से ममता बनर्जी के भाषण को सुन सके। कोलकाता की सड़कों पर मां माटी मानुष के रंग में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। একটু মানে সেই উনিশশো চুরানব্বই সালে